हेलो फोक्स, वेलकम टू वोग वाइब्स इंडिया। मेरा नाम है कोमल। सो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये फॉर्मल मेकअप लुक, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके जॉब इंटरव्यूज़ में, ऑफिस, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड ये न्यूडिश काइंड ऑफ मेकअप लुक है। सो अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहते हैं एंड इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो उससे पहले सबसे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक भी ज़रूर कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। ऑल्सो जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना। तो चले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये जेल बेस्ड प्राइमर, और इसे अपने फेस पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर और अपनी अंडर आइज़ और आईलिड्स को अच्छी तरह से कंसील कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और इससे मैं अपने कंसीलर को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। फिर मैंने लिया है ये लाइट ब्राउन शेड, और मैं इसे एज माई ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लूँगी। के बाद मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड, और इससे मैं अप्लाई करूँगी अपनी आई के आउटर वी पर और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है लाइट गोल्डन शेड, और उससे अपने इनर क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी और डार्क ब्राउन शेड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। सब कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने ली है ये आईब्राउ पेंसिल एंड अपनी आईब्रोज़ को अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को ब्लेंड कर लिया है। फिर मैंने लिया है ये लिक्विड आईलाइनर, और मैं थिन आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैंने स्पूली की हेल्प से अपने आईलैशेस को डिफ़ाइन कर लिया है और मस्कारा अप्लाई कर लिया है। सो अब मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड, और इससे अपने लोअर लैश लाइन पर भी स्मज कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने लिया है लाइट गोल्डन शेड, और इसे अपने आई के इनर कॉर्नर से डार्क ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है एक फ्लफी ब्रश, और उससे फॉल आउट को हटा दूँगी। नेक्स्ट उसके बाद मैंने फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई किया है, और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया है कॉम्पैक्ट पाउडर और अपने फाउंडेशन को सेट कर लिया है अच्छी तरह से। नेक्स्ट मैंने लिया है सेम डार्क ब्राउन शेड, और उसे मैं एज माई कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉन्टोर को स्किप भी कर सकते हैं। अपने कॉन्टोर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने ली है ये नियॉन पिंक लिपस्टिक, और इसे एज माय ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये हाइलाइटिंग शेड, और इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये न्यूड कलर लिपस्टिक, और इसे अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। अपने हेयर्स के लिए मैंने अपने हेयर्स को मिडिल पार्टीशन में डिवाइड किया है। उसके बाद मैंने एक स्ट्रैंड लेकर उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और ट्विस्ट कर लिया है। अगेन ट्विस्ट करके मैं अपने फर्स्ट वाले पार्टीशन में एक और पार्ट ऐड करूँगी, और उसे भी ट्विस्ट करके दूसरे वाले पार्ट पर प्लेस कर दूंगी। इन द सेम वे आपको पूरा रोप ब्रेड तैयार करना है, और आपकी रोप ब्रेड हो जाएगी रेडी। ये एक मैसी हेयर स्टाइल है, सो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इट कैन बी मैसी एंड इट विल लुक गुड। नेक्स्ट मैं अपने हेयर्स को पोनीटेल में टाई कर रही हूँ। और अपने हेयर्स को ट्विस्ट करके मैंने ये मैसी बन क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने ये वियर किए हैं बिग होप इयररिंग्स। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी इयररिंग्स वियर कर सकते हैं।
So this is my final finished look. I hope आप सभी को मेरा ये formal makeup look पसंद आया हो. मैं मिलूँगी आपसे Vogue Vibes India के next episode में. तब तक के लिए टाटा.